Today, we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 1, Heredity and Evolution. In the last video, we had studied about heredity, transcription, translation and translocation. In this video, we are going to study about evolution and evidences of evolution. Evolution, formation of new species due to changes in specific character of several generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. Actually, space में स्टार से लेकर प्लैनेट तक हमारे बायोस्फीयर के हर एक कंपोनेंट में समय के साथ चेंज होता है, तो उस चेंज को एडजस्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी धीरे धीरे चेंज ऑकर होने लगता है। इस चेंज को एवोल्यूशन कहते हैं। एक्चुअली एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जिसके वजह से ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट होती है। अगर हम एवोल्यूशन का स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा अर्थ एक बेस्ट एग्जाम्पल है। करीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। शुरुआत में अर्थ पे ओशन में सिंपल एलिमेंट्स थे। उन सिंपल एलिमेंट्स से बाद में सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए। उन सिंपल कंपाउंड से बहुत समय बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुए। शायद फर्स्ट प्रिमिटिव सेल ऐसे ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलग अलग मिक्सचर से फॉर्म हुआ। उसके बाद जो के केमिकल्स से ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हुए। हमें नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल तो पता ही है कि सिर्फ फिटेस्ट सर्वाइव कर सकता है, तो वैसे ही कुछ चेंजेस हुए होंगे उन सेल्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म होके जो एडजस्ट नहीं कर सके वो पेरिश हो गए होंगे। अर्थ पे एट प्रेजेंट प्लांट्स और एनिमल्स के क्रोज ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है जिसके वजह से बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। एनिमल डाइवर्सिटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा पैरामोशियम से लेकर ह्यूमंस टू जाइंट व्हेल तक रेंज करती है। वैसे ही प्लांट्स डाइवर्सिटी में यूनिसेलर कोरेला से लेकर ह्यूज बनियन ट्री तक सभी स्पीशीज आते हैं। अर्थ पे लाइफ इक्वेटर से लेकर पोल तक हर जगह एग्जिस्ट करती है। ऑर्गेनिजम्स हर जगह जैसे कि एयर वाटर लैंड रॉक एक्सेट्रा हर जगह प्रेजेंट है। ह्यूमंस ने एंशिएंट पीरियड से लेकर आज तक हमेशा लाइफ के ओरिजिन पे अर्थ पे प्रेजेंट हुए इस ग्रेट डाइवर्सिटी के बारे में क्यूरियोसिटी दिखाई है। लाइफ की ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी थियोरीज प्रपोज की। ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये थियोरी एक्सेप्ट हुई। थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, इस थियोरी के अनुसार फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म ओशन में फॉर्म हुआ और थोड़े समय बाद धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। ग्रेजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ चेंजेस ऑकर होने लगे जिससे लार्जर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। ये सभी चेंजेस बहुत स्लो और ग्रेजुअल थे। इन सभी चेंजेस का ड्यूरेशन एटमोस्ट 300 करोड़ ईयर्स का है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में का चेंज और डेवलपमेंट
ऑलराउंड और मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसके वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ। इसलिए इस एंटायर प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अभी हमने जो थियोरी देखी उससे हमें ये पता चला कि एवोल्यूशन एक चेंज की एवरलास्टिंग प्रोसेस है, पर इस थियोरी को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ प्रूफ चाहिए। इसलिए इस थियोरी को सपोर्ट करने वाले कुछ प्रूफ हम अब देखेंगे। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। Various similarities like structure of mouth, position of eye, structure of nostril and ear pinna, and thickly distributed hairs on body are seen in animals, whereas similarities in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plants. Ye jo डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स या पार्ट्स की सिमिलैरिटी जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है, ये इंडिकेट करता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एक दूसरे से कुछ सिमिलर है, और ये प्रूफ करता है कि उनका ओरिजिन सेम ही होना चाहिए या उनके एंसेस्टर्स कॉमन होने चाहिए। याद रखें, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब कुछ और नहीं बल्कि ग्रुप्स में के सिमिलैरिटीज बिटवीन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमिकल एविडेंस। फिगर 1.5 को केयरफुली ऑब्जर्व करें। ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर लेग, कैटेगियम ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ वेल, इन सब में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही नहीं है, मगर उनके स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। बोन्स और बोन्स के जॉइंट में हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एनिमल्स में ये जॉइंट्स में सिमिलैरिटी देखी जाती है। ये सिमिलैरिटी जो बोन के जॉइंट में देखी जाती है, ये इंडिकेट करती है कि इनमें कॉमन एंसेस्टरी है। वेस्टिगल ऑर्गेन्स। Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs. Living organisms may environment ke change nusar new tissue ya organ ka development hona possible nahi hai. So instead, jo organs already exist karte wo gradually changed hote. Mostly, a specific structure in the body is useful under certain situation. However, in different situation, the same structure may be useless or it may be even harmful. तो वो जो structure है, वो natural selection के principle के अनुसार degenerate होने लगता है। वो स्ट्रक्चर डिसअपियर होने के लिए ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जाते हैं। सच ऑर्गेन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। ये ऑर्गेन्स एक ऑर्गेनिज्म में नॉन फंक्शनल होते मगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल हो सकते हैं। दैट इज, इट इज़ नॉट वेस्टिगल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अपेंडिक्स, वो ह्यूमंस में यूजलेस है मगर रूमिनेंट्स में वो बहुत यूजफुल है और फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेन है। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना ह्यूमंस में यूजलेस है मगर मंकीज में ईयर पिन्ना की मूवमेंट करने के लिए बहुत यूजफुल है। ह्यूमंस में बहुत सारे वेस्टिकल ऑर्गेन्स प्रेजेंट है, जैसे कि टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर, जिनका ह्यूमंस को कुछ काम नहीं है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस।
आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आया होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइप के और कौन सा एग्जिस्ट करता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अर्थ में हिडन है। फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो जैसे हजारों ऑर्गेनिजम्स ऐसे बहुत सारे डिजास्टर की वजह से अर्थ में बरीड हुए थे। इन ऑर्गेनिजम्स का रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन अंडरग्राउंड प्रिजर्व है जिसे फॉसिल बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। एनिमल्स और प्लांट्स के डेथ के बाद कार्बन कंजम्पशन स्टॉप होता है और सिर्फ C14 का डिकेइंग चालू रहता है। प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज में C14 और C12 का रेशियो कांस्टेंट रहने की जगह कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है क्योंकि C12 नॉन रेडियोएक्टिव है। C14 की रेडियोएक्टिविटी और C14 टू C12 का रेशियो निकाल के हम प्लांट और एनिमल के डेथ का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स का एज डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है। एक बार फॉसिल की एज पता चलने के बाद दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इंफॉर्मेशन डिड्यूस करना इजी हो जाता है। फिगर 1.8 को देखकर पता चलता है कि वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट से स्लोली ओरिजिनेट हुए। कनेक्टिंग लिंक्स। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स by which they can be related to two different groups, hence they are called connecting links. Example, peripetals may characters like segmented body, thin cuticle and parapodia like organs present hote. Similarly, in animals may tracheal respiration and open circulatory system present hoti hai जो ऑर्थ्रोपोड से सिमिलर है। ये इंडिकेट करता है कि पेरिपेटस एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा में कनेक्टिंग लिंक है। सिमिलरली डक पाइल्ड प्लैटिपस रेप्टाइल्स के जैसे एग्स ले करता है, मगर मैमरी ग्लैंड्स और हेयर्स के प्रेजेंस से वो मैमल्स से भी रिलेशन शो करता है। लाइकवाइज लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। ये इंडिकेट करते हैं कि मैमल्स रेप्टाइल से और एम्फीबियंस फिशेस से इवॉल्व हुए। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर shows that all embryos show extreme similarities during initial stages and those similarities decrease gradually. अगर हम figure 1.10 को observe करें तो हम देखते हैं कि starting के जो stages हैं, that is first stage में सभी organisms absolutely similar दिखते हैं और ग्रेजुअली उनमें चेंज देखा जाता है। ये इनिशियल स्टेज में की सिमिलैरिटी इंडिकेट करती है कि इन एनिमल्स में कॉमन ओरिजिन है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।